देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष भैरव अष्टमी 16 नवंबर बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भगवान भैरव अपने साधकों को अभयता निर्भरता का आशीर्वाद देते हैं, साधक के साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हैं। भैरव अष्टमी के दिन व्रत रखकर जल का अर्घ देकर भैरव का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। शिव के अंश काल भैरव की जयंती भैरव अष्टमी पर अनेक आयोजन संपन्न हुए। इंदौर शहर में सभी भैरव मंदिरों में महाआरती एवं प्रसाद वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। विजयनगर स्थित कालका धाम में ग्वाल भैरव का भव्य श्रृंगार किया गया। यहां पर आकर्षक फूल बंगला भी सजाया गया। पुजारी राहुल यादव ने ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे 125,000 मंत्र जाप अनुष्ठान की पूर्णाहुति भी हुई। भैरव अष्टमी के दिन बुधवार को महाआरती का आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही 56 भोग व दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। क्या किस तरह से भक्तों में उत्साह है और इस बार भैरव अष्टमी का क्या महत्व है? भैरव अष्टमी की आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात ही है कि आज भैरव अष्टमी है और आज के दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि काशी के कोतवाल जो अपन ने सुना है, जो अपन ने व्याख्यान करी, और जिस प्रकार आज इंदौर में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्थानों पर बहुत ही दिव्य उत्सव हो रहे हैं, उसी प्रकार से आज इस प्राचीन दरबार में भी श्री ग्वाल भैरव कालका माता मंदिर जो विजयनगर चौराहे पर स्थित है, आज बाबा के दरबार में फूल बंगला सजाया गया है और शाम को विशेष महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। और सभी भक्तों द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इमरती चढ़ाने का जो महत्व है भैरवनाथ जी को, वो चढ़ाई जा रही है और सभी अपनी अपनी कामनाओं के साथ बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।